पाकिस्तान की टीम भले ही एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंची है, लेकिन पाकिस्तान के एक फैन ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया, सनसनी फैला दी है। उस फैंस को लोग ढूंढ रहे हैं, इंडिया में ढूंढ रहे हैं, सोशल मीडिया में बात, अलग अलग तरह की कहानियां, किस्से। हमें भी काफी वक्त लगा दुबई में, लेकिन आखिरकार हमने ढूंढ लिया न्यूज 18 की टीम ने, उन्हीं से जानते हैं। आप अचानक इतनी मशहूर हो गई हैं, आपको अंदाजा है किस तरह की मशहूरी आपको इंडिया में और पूरी दुनिया में मिली? जी, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। हाँ, और अब थोड़ा होने लगा है जब से आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। सो इट आई एम बीन ऑनर्ड, यू नो, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस हाउ आई फील। इट्स अमेजिंग, यू नो, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस। ये कहते हैं ना, अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। सो यू नो, and I hope it's for the best. नोरा जी, ये आपका नाम हमें पता चला है, कैन यू से दैट? नहीं नहीं, मेरा नाम ये बिल्कुल भी नहीं है। नाम ही नहीं है ये, मेरा नाम, इसी नाम से आप मशहूर हुए? नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम रिजला रेहान है, एंड आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान कराची, एंड आई हैव बीन लिविंग इन दुबई फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। तो ये बताइए, सबसे पहली बार जैसे आपको टीवी पर मैच के दौरान देखा गया, उसके बाद आपकी तस्वीरें वायरल हो गई, किस तरह का रिएक्शन है? पहले आप कैसे रिएक्ट किया, आपके घर वालों ने कैसे रिएक्ट किया? यू नो, मैच देखे मैं आराम से आ गई, कोई ऐसा बात नहीं हुई। फर्स्ट मैच की मैं बात कर रही हूँ। एक्चुअली उससे पहले भी मैं दो मैचेस पे गई थी, लेकिन कैमरामैन शायद उस वक्त सो रहा था, उसने मुझे कवर नहीं किया। बट ऑब्वियसली ऑन दैट पाकिस्तानी मैच आई वेंट एंड आई गॉट कवर्ड, एंड मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कवर्ड हो रही हूँ कुछ। तो मैं रात को घर आई हूँ मैच के बाद, डिसअपॉइंटेड, यू नो, बड़ा अफसोस हुआ कि मेरा ऑब्वियसली पाकिस्तान डिडंट विन। एंड मैं आई हूँ तो कोई 1 बजे के करीब आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम माई फ्रेंड, एंड शी सेंड मी दैट पिक्चर कि इंडिया ने मैच जीत लिया और पाकिस्तान ने दिल जीत लिया। एंड आई लुक्ड एट इट एंड आई थॉट कि शायद मेरी किसी फ्रेंड ने, ऐसी मजाक में लोग आजकल क्या क्या कर देते हैं। सो आई शोड इट टू माई हस्बैंड एंड यू नो, वी बोथ smiled and laughed about it and went to sleep. Subah jab main uthi hu, so you know, obviously there were much more photos out there. और एक फ्रेंड का मेरा सुबह सुबह फोन आता है, मैंने देखी बड़ी मिस कॉल थे मेरे फोन पे, तो फिर एक फ्रेंड ने मैसेज किया कि रिजला तुम्हें सुबह से रेडियो स्टेशन वाले ढूंढ रहे हैं। एंड आई सेड मतलब नहीं मिली हूँ सुबह सुबह टांग खींचने के लिए, यू नो, सिंपल, वो आपके जैसे सब अब मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, यू नो। एंड शी सेड नो, एक्चुअली दे वर लुकिंग फॉर यू। सो इस तरह की बात हुई, देन आई कॉल्ड माई हस्बैंड एंड सेड ये हो रहा है, एंड ही स्माइल्ड एंड ही सेड, यू नो व्हाट, इफ यू 5 मिनट्स ऑफ फेम, एंजॉय इट, राइट? तो ये अचानक जो हुआ पिछले, मतलब अगर मैं एक तरह से बात कर रहा हूँ, 4-5 दिनों के अंदर चीजें इस तरह से बदली, आप एक मतलब अपने को कैसे डिस्क्राइब करें? एक मामूली क्रिकेट फैन या पैशनेट क्रिकेट फैन, जो हमें लोग कह रहे हैं कि अरे ये लड़की जो है हर समय ICC में, इनके कोई रिश्तेदार तो नहीं है, हर समय VIP बॉक्स में नजर आती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम अ क्रिकेट फैन, आई एंजॉय क्रिकेट, लेकिन आई वोंट कॉल माई सेल्फ द बिगेस्ट फैन। आई वॉज जस्ट देयर आउट देयर टू सपोर्ट माई कंट्री। I'm very patriotic about Pakistan, and I was out there cheering for my country, and I enjoy it, because aap jab stadium mein jaake match dekhte hain uski ronak hi alag hoti hai, kyunki jab aapke fans itne sare aake इतनी रौनक लगाते हैं ना, वो जो मजा आता है वो घर बैठ के कभी भी नहीं आता। रिजला, एक चीज ये बताइए, सोशल मीडिया पर आप मिस्ट्री गर्ल बन गई हैं, इंडिया में लोगों को बड़ी दिलचस्पी आपके बारे में, इंडिया से कोई कनेक्शन है? मेरी दादा दादी इंडिया से थे। माई दादी वॉज बॉर्न इन फतेहपुर सिकरी, राजपुताना, एंड माई दादा वॉज बॉर्न देयर टू, एंड माई फादर वॉज बॉर्न देयर टू। इंडिया जाने का वापस कभी, मतलब इंडिया से आपका ताल्लुकात वैसे हैं? मैंने आई वुड लव टू कम टू इंडिया। मैं आपकी मूवी एक्ट्रेस की बहुत फैन हूँ, मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं शाहरुख खान सलमान खान की बहुत बड़ी फैन हूँ, एंड ऑब्वियसली आपकी साड़ियाँ, आपके कपड़े, पंजाब से वाइट पर्सा हमारे मुल्क में भी उतने ही अच्छी सारी चीज़ें, लेकिन किसी और जगह की ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कई दफ़ा। आई वुड लव टू कम टू इंडिया, अगर इंडिया वाले वीज़ा दे दें मुझे तो मैं ज़रूर आऊँगी। आप इतने वायरल हो गए हैं इंडिया में, सब लोग आपको पहचान गए हैं, तो मुझे नहीं लगता वीज़ा। आई होप सो, आई रियली रियली होप सो। अगर ऐसी बात नहीं है तो आई वुड वन डे इंशाल्लाह वुड लव टू कम टू इंडिया। ये बताइए, आप सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान जाते हैं स्टेडियम में या कोई भी क्रिकेट में?
नहीं, इस सीरीज में तो मैं ऑलमोस्ट मैंने सारे ही मैचेस देखे हैं अपार्ट फ्रॉम वन, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, क्योंकि हमने सारे टिकट दुबई के लिए हुए थे और हर रोल हमने डिफरेंट डिफरेंट लोगों को इनवाइट किया हुआ था. तो ग्रुप ऑफ पीपल दैट वर कमिंग और हम सब सात मैच देख रहे थे. तो हमें पता नहीं था कि पाकिस्तान के मैच उधर अबू धाबी शिफ्ट कर देंगे. अगर मुझे पहले से अंदाज़ा होता तो मैं ज़रूर उनके भी हम टिकट लेते. लेकिन या और अभी जो दूसरी सीरीज आ रही है पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंशाल्लाह आई विल बी देयर. सो और आपकी जब इंडियन लीग जो होती है IPL, आई हैव सीन सम मैचेस देयर, एंड देन अब जब हमारी PSL होगी तो इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू. कैमरा आपको फोन कैसे लेता है मैच में अचानक, मतलब कैमरा मैन क्या, आपने क्या ऐसा जादू खेला है कि ये तो मुझे भी नहीं पता. मुझे भी उस कैमरा मैन से मिला दें तो मैं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसका शुक्रिया अदा करूं या कहूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा. बिकॉज आपको टीम इंडिया ने भी वेव किया, रवि शास्त्री तक ने आपको शायद वेव किया. हाँ, लेकिन अब वो उन्होंने ही वाज काइंड इनफ टू गिव मी अ थम्स अप. अब ये नहीं पता कि किस वजह से किया, बिकॉज आई वाज अ फैन. I was just there and unme se kuch log baithe hue the and one of them waved at me and I looked on the other side thinking ki kisko wave kiya. Then I looked back and he pointed at me that I looked at you. Nahi, ye Ravi Shastri nahi, koi aur tha, kyunki thoda distance mein tha to I can't work it out ki kaun se place the. Lekin then Ravi Shastri was walking and I looked at him and you know, he's a cricket legend, right? So you have to give that respect. So and then he smiled and he gave me a thumbs up. Mujhe ye nahi pata ki he knew ki I was the viral girl or he's just being too kind and nice to me. So एक आखिरी सवाल, जिस आपने बताया जैसे आपके बारे में थोड़ा सा, अपने फैमिली के बारे में अगर आप बताएंगे जो आप शेयर कर सकते हैं. आपकी चैरिटी की बात की, आप पाकिस्तान भी जाती हैं, किस तरह के, मतलब क्रिकेट के अलावा भी क्या शौक है, आप क्या कर सकती हैं चैरिटी के बारे में? I run a very very small charity in Pakistan, so that's what I do. I have schools for underprivileged kids, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो वाला हिसाब है, वो उनको देखते हैं. I've adopted few kids, I help few families, so it's something small that I do. इंडिया पाकिस्तान की जब बात होती है, कई लोगों को लगता है कि नफरत, लड़ाई, और आप जैसे फैंस आते हैं जहाँ पर दोस्ती का पैगाम लेके आते हैं, पीस का पैगाम लेके आते हैं, तो इंडिया के जो फैंस जो आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, या इंडिया की जो आवाम है उनसे, मतलब एक एवरेज पाकिस्तानी जो फैन है, लोग हैं, वो क्या सोचते हैं उनसे, आपकी क्या? देखें, आई कॉन्ट टॉक अबाउट आई थिंक एवरीबडी, बट मैं अपनी बात कर सकती हूँ. मेरे बहुत इंडियन फ्रेंड्स हैं एंड वी गेट अलॉन्ग रियली वेल एंड वाइस वर्सा, राइट? एंड अगर आपको कभी मौका मिले पाकिस्तान आने का तो आपको पता चलेगा कि आपकी बड़ी खातिरदारी की जाएगी. और वाइस वर्सा आई ऑल्सो हर्ड कि जब हम लोग इंडिया जाते हैं तो हमारे लोग भी बहुत ख्याल रखते हैं. सो आई गेस वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम दिस इज वन डे इंडिया टू कम टू पाकिस्तान एंड स्टार्ट प्लेइंग. I think that would make me really happy. अच्छा, एक चीज ये बताइए, जिसका आपके नाम पे कई दूसरे तरह के पेज चल रहे हैं, लोगों को पता नहीं आपका नाम कुछ गलत दिया जा रहा है, आपकी फोटो की तस्वीरों का इस्तेमाल हो रहा है, कई बार आपको लगता है चूंकि आप खुद फैमिली वाली पर्सन है, आप खुद के लिए ये सारी बातें, आपको ठीक है फेम तो एक अलग चीज़ है लेकिन इसके साइड इफेक्ट शायद आपको परेशान बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली वही वाली बात है ना, इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू बिल्ड अ रेपुटेशन और एक मिनट लगता है उस रेपुटेशन को खराब करने के लिए. तो मैं बस इंडिया हो या पाकिस्तान या जहाँ पे भी लोग मुझे देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, तो एक यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा, मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया है दैट पाकिस्तानी फैन, प्लीज़ उसको फॉलो करें. उसके अलावा प्लीज़ मैं किसी और जगह नहीं हूँ, दैट दी ओनली ऑफिशियल पेज फॉर मी. अभी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई विल मेक ट्विटर एंड फेसबुक एज वेल, लेकिन अभी मैं नहीं हूँ अभी, लेकिन इंशाल्लाह द प्लान इज कि इन द अपकमिंग वीक आई विल मेक दोज एज वेल. आई बी बम्बार्डेड विद फैन मेल्स एंड पीपल आर रिक्वेस्टिंग मी ऑन फेसबुक. मेरे पास तकरीबन 1500 रिक्वेस्ट है इस वक्त फेसबुक में और इंस्टाग्राम में. एंड आई एम हम्बल गाइस, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी. मैं इतनी इज्जत के काबिल नहीं हूँ. आई एम एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी गर्ल एंड लाइक आई सेड, मैं आई ऑल्सो बिलीव कि देर आर फार मोर प्रिटियर गर्ल्स देन मी इन इंडिया एंड पाकिस्तान.
तो लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, थैंक यू सो मच। एंड एक चीज प्लीज, अगर आप मेरे लिए कोई चीज अच्छा नहीं कह सकते ना, तो प्लीज मुझे बदनाम मत करो, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी तो इट्स ऑल फन एंड गेम्स, सो आई एम एंजॉयिंग माय 5 मिनट्स ऑफ फेम, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। Is it go?